नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल बिहार के कुछ हिस्सों में हुई ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों को मायूस कर दिया। ऐसा ही हाल कुछ बिहार के गोपालगंज जिले से एक रिपोर्ट आई है, उसमें हुआ है। गोपालगंज जिलों में कुछ गेहूं की फसल खड़ी थी कुछ किसानों की, कुछ ने अपने गेहूं को काट कर खेतों में सुखा रहे थे, लेकिन उसी समय मौसम की मार पड़ी और ओलावृष्टि और बारिश के कारण उनकी फसल नष्ट हो गई। हम आपको एक बता दें कि इस बार करीब करीब वहाँ के 14 प्रखंड के 234 पंचायतों में 97,000 हेक्टेयर के आसपास गेहूं की फसल उगाई गई थी, जिसमें 2,97,000 क्विंटल गेहूं जो है निकलने का अनुमान था। लेकिन किसानों को मायूसी का अब सामना करना पड़ रहा है, आधी से ज्यादा फसल जो है नष्ट हो गई है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, आपको दिखा दें। तो बारिश आ गई, बाकी हमने कर्ज वामले का खेती बाड़ी पहले नहीं है, सोन सब भीज भाज के बर्बाद हो गई। बाकी अब हमने के विषय में सरकार कुछ सोचो कि हम निका करें छन का खाएं छन। कोरोना के बीमारी से महामारी अले बा, बस यही हम कहे चाहते हैं। छन का नाम भरो? सुनील चौधरी। पिता का नाम सत्यदेव चौधरी। सभी किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक को यह निर्देश दे दिया गया है, जिला कृषि पदाधिकारी की तरफ से भी और हमारे तरफ से भी, कि जाकर के सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लें। सर्वेक्षण कार्य करने के बाद तब रिपोर्ट भेजा जाएगा जिला को, उसके बाद सरकार जैसा निर्णय लेगी। उस तरह से काम सर, कुछ अनुदान भी देने का प्रावधान है? अभी तक हम लोगों को इसकी सूचना नहीं है, लेकिन जब यह रिपोर्ट जाएगा उसके बाद सरकार अगर निर्णय लेती है देने के लिए, तो हम लोग तैयार है देने के लिए। आपने देखा ये हाल है गोपालगंज के किसानों का, आंखों में मायूसी है, कर्ज के बोझ तले दबे हैं, और ऊपर से बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया है। नेशन भारत चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेकिन नेशन भारत की उस मुहिम को याद रखिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, इस बार जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।